अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ भी रहे हैं? जी जनाब, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नई नई आवाज़ें सीख रहे हैं, नए नए अल्फाज बनाना सीख रहे हैं, है ना जनाब? कितने काम सीख रहे हैं मेरे दोस्त। जी जनाब, तो जब हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और अल्लाह हमें ये तौफीक देते हैं कि हम बहुत अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, नए नए काम सीख रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी तौफीक दी है, कि हमें इतनी ज़्यादा सहूलतें दी हैं कि हम जो हैं घर बैठे आराम से तालीम हासिल कर रहे हैं, नए नए अल्फाज सीख रहे हैं, हमारे सामने कोई रुकावट नहीं है, है ना जनाब? तो जब भी इस तरह से आपको लगे कि हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास नियमतें मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हम नए नए काम सीख रहे हैं घर बैठे, कोई मुश्किल नहीं है, आपके लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं। जी जनाब, आसानियाँ पैदा हो रही हैं, मुश्किलें ख़त्म हो रही हैं, आपकी आसानी पर आसानी पैदा हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, कहना चाहिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें जो है आसानियाँ मिली हैं और हम बग़ैर किसी रुकावट के अपना काम करते जा रहे हैं, यानी कि पढ़ते जा रहे हैं, है ना जनाब? छोटी छोटी बातों पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जी जनाब, चलें जी जनाब, शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, आसानी पैदा की कि हम घर बैठे सीख रहे हैं अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे अल्फाज। जनाब, आज क्या करना है? आज हमने भी नया काम करना है, कुछ नया सीखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अपनी उर्दू की किताब खोलेंगे, उर्दू सिलसिला साल सोम की किताब खोल लीजिए, सफ़ा नंबर 95 यहाँ खुल चुका है। जी जनाब, सफ़ा नंबर 95 यहाँ खुल गया है और यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आइकन्स कितने हैं। तो जनाब बता दीजिए कि इस सफ़े पे आइकन्स कितने हैं? गिने, बहुत सारे आइकन हैं, ज़रा गिनिए, आराम से गिने। क्या कहा? सिर्फ एक आइकन है। जी जनाब, सिर्फ एक आइकन मौजूद है और एक आइकन है कौन सा? लिखिए। जी जनाब, लिखिए कि सिर्फ हमें लिखना है। अब क्या लिखना है ये तो देखते हैं आगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे तारीख लिख दीजिए। जी जनाब, तारीख लिख दीजिए। अब क्या करना है? शुरू की आवाज़। जी जनाब, कल हमने पढ़ी हैं भारी आवाज़ें, जिसमें हमने भारी आवाज़ों में मुख्तलिफ अल्फाज सीखे हैं, हमने मुख्तलिफ तस्वीरों के बारे में पढ़ा है। अब जनाब यहाँ मौजूद हैं कुछ तस्वीरें हमारे पास, कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, आपने इन चीज़ों के मुझे नाम बताने हैं। जी जनाब, नाम बताने हैं और नाम को पहचान के उनके शुरू की आवाज़ पहचाननी है। जी जनाब, शुरू की आवाज़ जैसे होता है ना कि हम पढ़ते हैं बाबा, बाबा की शुरू की आवाज़ ब, ब ब ब, बकरी ब बकरी, तितली त तितली त तितली, और हम क्या पढ़ते हैं? पंखा, पंखा प पंखा, और क्या पढ़ते हैं और बताइए भाई, आप बताइए। दवा, जी दवा, द दवा, द दवा, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा। जी जनाब, यानी कि हम मुख्तलिफ़ अल्फाज पढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ अल्फाज की शुरू की आवाज़ पहचान रहे हैं। इसी तरह से हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे भी मुख्तलिफ चीज़ें दी गई हैं और इन सब चीज़ों की हमें शुरू की आवाज़ पहचाननी है। जी जनाब, शुरू की आवाज़ पहचाननी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये क्या है? ये, जी सोचें सोचें, देख के बताइए ये क्या चीज़ है। ढोल, 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 यानी के ढोल, ये भारी आवाज़ के साथ बना है। ढोल, ढोल, ढोल की शुरू की आवाज़ क्या बनी है? क्या शुरू की आवाज़ ड है? नहीं ना, फिर क्या है? भारी आवाज़ है ये तो, और भारी आवाज़ क्या होती है? ढ। तो ढोल की शुरू की आवाज़ क्या है? ढ, ढ। हम यहाँ क्या लिखेंगे? ढ, 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 ढोल, ढ, ढोल, ढ, ढोल, ढ, ढोल, ढ, ढोल, है ना, ढोल। जी जनाब, ये क्या है भाई? छतरी,
छतरी 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 की शुरू की आवाज च, च छतरी तो नहीं होता ना, छ छतरी, तो शुरू की आवाज क्या हुई, छ छ छ। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, छ छ छतरी छ छतरी छ छतरी। ये क्या है भाई, ठेला ठेला, ठेला की शुरू की आवाज ठ ठ ठ, ठ ठ ठेला ठ ठेला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ठ लिखेंगे, शाबाश। झंडा झंडा, झंडा की शुरू की आवाज झ झ झ, झंडा झ झंडा। फूल फूल फूल, फ फूल फ फूल फ फूल। फूल की शुरू की आवाज फ फ फूल फ फूल। थाल थाल थाल, थाल थ थाल थ थाल थ थाल। थाल की शुरू की आवाज है थ। घोड़ा घोड़ा, घोड़ा की शुरू की आवाज घ घ, घोड़ा घ घ घ, घोड़ा, घोड़ा की शुरू की आवाज घ, शाबाश। खजूर खजूर खजूर, खजूर की शुरू की आवाज ख ख ख ख, खजूर ख खजूर ख खजूर। भेड़ भेड़, भेड़ की शुरू की आवाज भ भेड़ भ भेड़ भ भेड़ भ भ भेड़। जी जनाब, भेड़ की शुरू की आवाज है भ। तो हमने क्या पहचाना भाई, शुरू की आवाज ढ ढोल, छ छतरी, ठ ठेला, झ झंडा, फ फूल, थ थाल, घ घोड़ा, ख खजूर, भ भेड़। जी जनाब, आपने क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है, कैसे हमने शुरू की आवाज़ पहचानी है। शुरू की आवाज़ लिखेंगे आप, मम्मा बाबा को रीचेक कराएंगे या अपने बहन भाइयों को रीचेक कराइएगा कि सही लिखी है हमने आवाज़, सही से लिखा है, मिस ख़राब तो नहीं लिखा है, गंदा तो नहीं कर दिया है काम को। और जब आप लिख लेंगे, काम चेक करा लेंगे, तो टीचर को सेंड कर दीजिएगा अपनी पिक्चर। जी जनाब, पिक्चर सेंड कर दीजिएगा, और मिलेंगे कल हम नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।